जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ऐसे में जितनी भी पढ़ाई लिखाई हमारी हो रही है सब घर में ही हो रही है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, यानी कि जितने भी टीचर्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमें पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन से ऑनलाइन क्लासेस करते वक्त आपको बाहर से किसी का कॉल आ जाता है, या फिर आपको जो है व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते दिन भर, और इससे क्या होता है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस के वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो आज की वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप व्हाट्सएप के मैसेजेस को शेड्यूल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जिन लोगों को नहीं पता है कि WhatsApp पे मैसेजेस या कॉल्स को कैसे शेड्यूल करते हैं। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसे कि पता है कि WhatsApp पे कैसे कॉल्स वगैरह को या मैसेजेस को शेड्यूल करते हैं, तो आप इस वीडियो को अभी ही छोड़ सकते हैं। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कमेंट सेक्शन में कोई इस तरह के कमेंट्स करे कि मुझे पता नहीं था या मुझे आज पता चला, ये वो, ये सब कमेंट्स देख के ना भाई अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को पहले ही बता देना चाहता हूँ। और गाइज, आप सभी से एक और रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इससे क्या होगा कि मैं जो हूँ, मेरे जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ तो आपको पता चलते रहेगा, और अगर कोई भी वीडियो आपके काम की निकली गाइज तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं असली टॉपिक के बारे में। जो है ना, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मदद से डिस्प्ले करूँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको किस तरह से जो है अपने व्हाट्सएप मैसेजेस को शेड्यूल करना है। तो वीडियो में आगे बने रहिए, अब आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मदद से जो है सारा चीज़ मैं समझा दूंगा। तो गाइस, सच बात तो ये है कि अभी तक ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है जिसकी मदद से आप व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस को शेड्यूल कर सकते हो। इसलिए अगर आपको कहीं पे भी जो है ऐसी कोई वीडियो देखने को मिले जहां पे आपको ये बताया जा रहा हो कि आप व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस को कैसे शेड्यूल कर सकते हो, मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं, तो आप समझ जाना कि वो आदमी आपको बेवकूफ़ बना रहा है। बिकॉज मैंने यही समझाने के लिए वीडियो आप सभी को बनाई है, क्योंकि अभी ऐसा हो गया ना कि आप कोई भी ऐसी नई चीज़ देखते हो ना, तो आप बस सिंपली क्या करते हो, उसकी वीडियो देख लेते हो। लेकिन गाइस, कई बार ऐसा होता है या मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो टाइम है वो 100% वेस्ट हो जाता है, बिकॉज वो जो ट्रिक है वो रियल नहीं होती है, वो जेन्युइन नहीं होती है, वो सही ट्रिक नहीं होती है, वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का तरीका होता है। तो इसलिए मैंने आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यही बताया है कि अभी तक इस टाइप की कोई भी ट्रिक नहीं आई है। इनफैक्ट ऑफिशियली व्हाट्सअप ने तो नहीं लॉन्च किया है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी अभी ऐसा नहीं कर सकती है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं ओवर करता हूँ और मैं आप सभी को यही बताना चाह रहा था सिर्फ। तो कोई गलत मीनिंग मत निकालना, मैं सिर्फ आप सभी तक एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। गाइस, होप करता हूँ कि आप सभी को वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी, और अब आप सभी जो है अपने ऑनलाइन क्लासेस के वक्त जो है बेफालतू के कॉल्स और मैसेजेस से बच सकोगे। क्योंकि अब इन्हें मैं बेफालतू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, इन कॉल तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। और साथ ही इससे क्या होता है ना कि अगर आपको कोई भी ऑनलाइन मैसेजेस या कॉल आते हैं तो वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो होता है ना, वो पूरा डेटा ट्रैफिक ले लेता है। और इससे क्या होता है कि जो ऑनलाइन क्लासेस में आपको बफरिंग वगैरह देखने को मिलती है, अगर आपने ऐसा कभी नोटिस नहीं किया है तब आप ध्यान से नोटिस नहीं करते हो। लेकिन मैं, क्योंकि एक टेक गैजेट रिव्यूअर हूँ, और मैं जो हूँ एकदम कोई भी चीज़ अगर देखता हूँ ना या जानता हूँ तो उसे एकदम इनडेप्थ होकर के जानने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैंने ये सब चीज़ें नोटिस की और मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए अगर आप WhatsApp पे ऑनलाइन क्लासेस के वक्त अपने मैसेजेस को शेड्यूल कर दो ना, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को ओवर करता है, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, तो प्लीज़ कर लो, बहुत ही कमाल के वीडियोज़ आते हैं मेरे चैनल पर। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को ओवर करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।